हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रगति। नॉर्मली हम लोग साड़ी को सिर्फ एक ही तरीके से स्टाइल करते हैं, ब्लाउज़ के साथ। आज मैं आपको साड़ी को दो तरीके से स्टाइल करना बताऊंगी, एक पेपलम टॉप के साथ, एक नॉर्मल टॉप के साथ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Given that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. यहाँ पर मैं इस साड़ी को पेपलम टॉप के साथ स्टाइल करने वाली हूँ। इसके साथ नीचे मैंने पेटीकोट पहना हुआ है। जब भी आप साड़ी को पहनें तो अपनी हील्स ज़रूर पहन लें। जो भी आप साड़ी पहनना चाहें उससे पहले अगर आप हील्स पहन के रखेंगे तो साड़ी का लुक नीचे से काफ़ी अच्छा आता है। साड़ी पहनने के बाद में हील पहनते हैं तो आपकी साड़ी काफ़ी ऊंची लगेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक नॉट। अगर हम इस तरीके से एक नॉट बना लेंगे, यानी कि गांठ बना लेंगे, इससे हमारा जो साड़ी का नीचे वाला पार्ट है वो कभी भी आपके पैरों में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं साड़ी को एक बार पूरा रैप कर लूँगी, जैसे कि हम लोग नॉर्मल साड़ी पहनते हैं उसी तरीके से। अब हम अपनी साड़ी को अब अच्छे से आगे और पीछे से टक कर लेंगे। टक इस तरीके से करिएगा जिससे कि नीचे वाला पार्ट है जो हील्स के नीचे ना आए, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी साड़ी को टक करेंगे। टक इन करने के बाद अब हम अपनी साड़ी की यहाँ पर प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स बनाने से पहले हम लोग पल्ले को सेट कर लेंगे कि हमें अपने पल्ले की एक्चुअल लेंथ कितनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, अपनी साड़ी के पल्लू के लास्ट पार्ट को पकड़कर हम इक्वल कर लेंगे जिससे कि वे पूरा इक्वल रहे, और राउंड घुमाते हुए उसको हम शोल्डर पर ले आएंगे। हम इसकी लेंथ जो रखेंगे पल्ले की, नॉर्मल साड़ी से, जो नॉर्मल साड़ी हम यूज़ करते पहनते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमें ये अलग तरीके से साड़ी ड्रेप करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पल्लू की लेंथ कितनी रखी है, तो आप भी उसी अकॉर्डिंग पल्लू की लेंथ रखिएगा। तो अब हम यहाँ पर प्लीट्स बनाते हैं। प्लीट्स बनाने से पहले जो हमारे कमर के साइड का जो ये पार्ट है इसको हम सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे, जिससे हमारी साड़ी की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। अगर यहाँ पर आप इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर मैं ज़्यादातर अपने इस पार्ट को पिन ना लगाकर और साइड में थोड़ा ऐसे टक कर लेती हूँ। पर अगर आप पिन लगाएंगे तो वो भी अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको पिन से बता रही हूँ, यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे तो ये हमारी यहाँ पर एक फिनिशिंग हो जाएगी। साड़ी ड्रेसिंग में फिनिशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम हमेशा साड़ी को काफ़ी फिनिशिंग से पहनेंगे तो उसका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए आइए अब हम प्लीट्स बना लेते हैं। प्लीट्स के लिए यहाँ पर जो मैं पहली वाली प्लीट्स बनाऊंगी, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी बाकी प्लीट्स से, जिससे कि वो जो फर्स्ट वाली प्लीट्स है ज़्यादातर साड़ी पहनते समय वो इधर उधर जाती है, वो आपकी नहीं जाएगी। और मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जो हम फर्स्ट वाली प्लीट बनाते हैं उसको हम जब बाकी प्लीट्स के साथ अटैच करते हैं तो उस प्लीट को हम थोड़ा सा बाकी प्लीट से नीचे रखेंगे, जिससे कि वो प्लीट हमारी उठी भी नहीं लगेगी, वो बाकी प्लीट के साथ बिल्कुल इक्वल लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। सारी प्लीट्स को सेट करने के बाद देखिए अब हम प्लीट्स को अंदर टक कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली प्लीट है बिल्कुल इक्वल आई है, वो इधर उधर नहीं जा रही है, वो बिल्कुल इक्वल है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इन प्लीट्स को सिक्योर कर लेंगे। पिन बिल्कुल अंदर से अच्छे से लगाइएगा। आप जब भी साड़ी को पहने तो अच्छे से प्रेस करके पहने। मैंने इस साड़ी को प्रेस नहीं किया था तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि फोल्ड की हुई साड़ी में थोड़े से रिंकल्स आ जाते हैं। अगर आप प्रेस करके साड़ी पहनेंगे तो प्लीट्स बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो चलिए आइए अब हम पल्लू को सेट कर लेते हैं। पल्लू को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्लीट्स बनाऊँगी। जो भी हमारा पल्लू का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हम ऊपर की तरफ रखते हैं, वहीं से पल्लू को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम जैसे हमने पहले प्लीट्स बनाई थी सेम उसी तरीके से हम प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स आप कैसे भी रख सकते हैं, थोड़ी चौड़ी या थोड़ी पतली, जैसी भी आप रखना चाहें। मैं यहाँ पर थोड़ी पतली प्लीट्स बना रही हूँ, तो देखिए मैं आप कैसे प्लीट्स बना रही हूँ। उसके बाद हम प्लीट्स को यहाँ पर थोड़ी सी फिनिशिंग दे देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पल्लू के थोड़े थोड़े पार्ट की फिनिशिंग कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, जिससे कि आपका पल्लू बिल्कुल फिनिशिंग और नीट एंड क्लीन बनेगा। देखिए इतना पार्ट होने के बाद मैं आगे की प्लीट्स बनाऊँगी, और आप चाहें तो उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं, तो पल्लू बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा, वो इधर उधर उसकी प्लीट्स नहीं जाएंगी। पल्लू की प्लीट्स को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पल्लू का लेंथ है वो नॉर्मल पल्लू से थोड़ा लंबा है। तो ये सब फिनिशिंग करने के बाद इसे मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर भी करूँगी, जिससे कि वो बिल्कुल सेट रहेगा।
तो देखिए अब मैंने सारी प्लीट्स को सेट कर लिया है। अब हम अपने पल्लू को शोल्डर पर सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे शोल्डर पर सिक्योर नहीं करूँगी सेफ्टी पिन से। मैं इसको बाहर लेकर यहाँ पर सेफ्टी पिन से सिक्योर करूँगी, क्योंकि मैं आपको एक दूसरा स्टाइल भी बताने वाली हूँ, तो इससे मेरे लिए ईजी हो जाएगा। पर आप इसे शोल्डर पर अगर एक ही तरह के पैटर्न पहन रहे हैं तो सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे भी उसको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी, जिससे कि हमारा पल्लू बिल्कुल सेट रहेगा। तो देखिए हमारा पल्लू सेट हो चुका है और वो देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। इसका फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो देखिए पेपलम टॉप के साथ इस साड़ी का लुक कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपका थोड़ा बेली फैट है तो पेपलम टॉप के साथ आप इस तरीके की साड़ी को स्टाइल करेंगे तो वो भी आपका छुप जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा। और अपने किसी भी टॉप के साथ अगर आप साड़ी को स्टाइल करते हैं वो देखने में काफ़ी स्टाइलिश भी लगती है। तो चलिए मैं अब आपको दूसरा लुक दिखा देती हूँ। अब हम सेम उसी पल्लू को आगे की तरफ टक करेंगे। आगे की तरफ पल्लू को अच्छे से सेट करने के बाद मैं ऊपर शोल्डर पर इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। अगर आप ज़्यादातर साड़ी पहनते हैं या नहीं भी पहनते हैं, कभी कभी पहनते हैं, तो आपके पास एक सिल्वर और गोल्डन कलर की वेस्ट चेन ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि साड़ी का लुक काफ़ी अच्छा आता है। ये जो वेस्ट चेन आप देख रहे हैं इसको मैंने अपने चैनल पर DIY करके बनाना बताया है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप देखिए आप साड़ी का फाइनल लुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।